जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के राजौरी का है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12 सितंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि सेना का एक जवान इसमें शहीद हो गया। इसके साथ ही मुठभेड़ में भारतीय सेना के फीमेल लेब्राडोर डॉग कैंट की भी मौत हो गई है। सेना द्वारा चलाए जा रहे मुठभेड़ ऑपरेशन के तहत आर्मी के डॉग ने अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए खुद की जान दे दी। जम्मू डिफेंस के पीआरओ ने बताया कि 21 आर्मी डॉग यूनिट की 6 साल की मादा लेब्राडोर ने जम्मू कश्मीर में चल रहे राजौरी मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। आर्मी डॉग भाग रहे आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, गोलाबारी में उसकी मौत हो गई। दरअसल कैंट सेना के सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा था और आतंकियों की तलाश में लगे जवानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। दूसरी ओर से की जा रही फायरिंग में कैंट को गोली लग गई, जिसकी वजह से वह नीचे गिर गया और उसे बचाया नहीं जा सका। ये घटना राजौरी जिले के नरला इलाके में हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस SPO समेत 3 अन्य घायल भी हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। डिफेंस के PRO के मुताबिक जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों की इस टीम के साथ 21 आर्मी डॉग यूनिट भी थी। बता दें, हाल ही में जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई, जिनमें कई आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। गौरतलब है कि घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से आतंकी अपने नापाक मकसद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे बौखलाए हुए हैं और लगातार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते रहते हैं।